तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉइजुलीज फॉर्मूला। पॉइजुलीज फॉर्मूला क्लास 11th का ये टॉपिक है, फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर में आता है। और क्या कहता है फॉर्मूला वो हम पढ़ेंगे आज, उसके बाद इसकी डेरिवेशन करेंगे बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। तो चलिए पहले समझते हैं पॉइजुलीज फॉर्मूला क्या है। पॉइजुलीज फॉर्मूला क्या कहता है कि सपोज मेरे पास एक ट्यूब है बच्चों, इस तरह से मैंने एक ट्यूब ले ली, हॉरिजॉन्टल ट्यूब। तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब ले ली। अब यहां मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं बेटा, हॉरिजॉन्टल ट्यूब। हॉरिजॉन्टल ट्यूब, हॉरिजॉन्टल ट्यूब का मतलब है बेटा कि ये जो मैंने ट्यूब रखी है इसको इस तरह से रखा है कि ये धरती के पैरेलल है। कि सपोज दिस इज अवर अर्थ, तो मैंने ट्यूब को इस तरह से रखा है कि अर्थ का जो सरफेस है ना उसके पैरेलल होगी, मतलब इस तरह से तिरछी नहीं मैं इसको रखूंगा, समझ गए। अगर तिरछी रखेंगे तो फिर ग्रेविटेशनल इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे, तो हम ऐसे रखेंगे पैरेलल हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। तो एक ट्यूब मैंने ले ली जिसको मैंने अर्थ के सरफेस के पैरेलल रखा हुआ है, और सपोज इस ट्यूब की लेंथ जो है वो एल है, इस ट्यूब की रेडियस जो है वो आर है, ठीक है। और इस ट्यूब में क्या फ्लो कर रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है बच्चा पार्टी, यहां पे इसके अंदर कोई लिक्विड जो है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ फ्लो कर रहा है। ये एंड ए है, ये एंड बी है, तो एंड ए से एंड बी की तरफ क्या फ्लो कर रहा है, लिक्विड, ठीक है जी। और दूसरा, ये लिक्विड जो फ्लो कर रहा है तो क्यों फ्लो करेगा, आपको पता है लिक्विड को फ्लो करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, प्रेशर डिफरेंस की। मान लिया लिक्विड पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है, तो पॉइंट ए से बी पे क्यों जा रहा है, क्योंकि पॉइंट ए और बी के बीच में पक्का क्या है, प्रेशर का डिफरेंस है। एक जगह प्रेशर ज्यादा है, एक जगह प्रेशर कम है, कि प्रेशर एट पॉइंट ए इज मोर देन प्रेशर एट पॉइंट बी सपोज, तो इसलिए यहां से लिक्विड हाई प्रेशर पे एंटर कर रहा है और लो प्रेशर की तरफ जा रहा है, तो प्रेशर डिफरेंस है दो एंड्स के बीच में, जिसको हमने मान लिया पी। तो P यहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड्स, ठीक है। तो ये तो हमने एक पाइप कंसीडर कर लिया। अब आते हैं वापस अपने फॉर्मूले पे। तो पॉइजुली का जो फॉर्मूला है वो किस बारे में हमें बताता है, तो पॉइजुली का फॉर्मूला हमें किस चीज के बारे में बताता है, वो जो चीज है, वो जो फिजिकल क्वांटिटी है जो ये पॉइजुली फॉर्मूला हमें बता रहा है, वो है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड, ठीक है बेटा। तो पॉइजुलीज फॉर्मूला बेसिकली क्या बताता है हमें, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड इन द हॉरिजॉन्टल ट्यूब, कि हमारी ट्यूब में कितनी क्वांटिटी लिक्विड की एक सेकेंड में एंटर कर रही है, समझ रहे हो, कि कितने लीटर जो है लिक्विड, वॉल्यूम की यूनिट होती है ना बेटा लीटर, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं कि एक सेकंड में इस ट्यूब में से कितना लीटर लिक्विड फ्लो कर रहा है। मान लिया मैं अगर पानी यूज कर रहा हूं, तो पॉइजुलीज फॉर्मूले से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं कि एक सेकंड में कितना वॉल्यूम पानी का इसमें से क्रॉस हो जाएगा, मीन्स कितने लीटर पानी इसमें से क्रॉस हो जाएगा एक सेकंड में, वो हमें पता लगता है पॉइजुलीज फॉर्मूले से। आगे समझ में कि पॉइजुलीज फॉर्मूला किसकी बात कर रहा है, किस टॉपिक की बात कर रहा है, किस क्वांटिटी की बात कर रहा है, कितनी वॉल्यूम लिक्विड की एक सेकंड में अंदर घुस रही है ट्यूब में, ठीक। और पॉइजुलीज फॉर्मूला क्या बोलता है बेसिकली बेटा, जो पॉइजुलीज फॉर्मूला था ये एक्सपेरिमेंटल आउटकम था बेसिकली, कि साइंटिस्ट ने ना एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट्स करके उन्हें पता लगा कि जो ये वॉल्यूम एंटर कर रही थी ना लिक्विड की, वॉल्यूम को पता ना किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल वी से, तो जो ये वॉल्यूम एंटर कर रही थी लिक्विड की पर सेकेंड, पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। कि मान लिया टी टाइम में कितनी वॉल्यूम क्रॉस कर गई किसी ट्यूब में से, वी वॉल्यूम लिक्विड की, तो एक सेकेंड में कितनी, एक सेकेंड में कितनी वॉल्यूम क्रॉस करेगी, वी बाय टी, ये वॉल्यूम पर सेकेंड हो गया ना। कि मान लिया 10 सेकेंड में, जैसे देखो 10 सेकेंड में अगर मैं कहता हूं कि 2 लीटर जो है लिक्विड फ्लो कर जाता है एक एंड से दूसरे एंड पे, तो एक सेकंड में कितना करेगा, तो मैं इस वॉल्यूम को जो 2 लीटर आई किससे डिवाइड कर दूंगा, टाइम से, यानी कि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम क्या है कि एक सेकंड में कितनी वॉल्यूम अंदर जा रही है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं v बाय t, क्लियर है यहां तक। तो एक्सपेरिमेंटली पॉइजुली ने बताया था
कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा, लिक्विड को फ्लो करवा करवा के देखा, और बाद में जो आउटकम उनको मिली वो क्या थी पोइज़न्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, कि जो वॉल्यूम एंटर कर रही थी लिक्विड की पर सेकेंड, ये किसके इक्वल थी, इसका एक फॉर्मूला उन्होंने बनाया पाई बाय 8, ठीक है ना, क्या फॉर्मूला बनाया, पाई बाय 8 इंटू पी इंटू आर रेस टू पावर 4 बाय ईटा इंटू एल। तो ये पोइजुली ने एक्सपेरिमेंटली एक फॉर्मूला डिराइव हमें करके दिया, कि पोइजुली ने कहा कि जो वॉल्यूम एंटर करेगी ना लिक्विड की पर सेकेंड इस ट्यूब में से, वो क्या किसके इक्वल होगी, पाई बाय 8 पी आर रेस टू पावर 4 ईटा इंटू एल। यहां पे ये फैक्टर्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, पी क्या है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स, आर इज द रेडियस ऑफ अवर ट्यूब, एल इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, और ईटा क्या है बच्चों, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, ईटा इज द कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, ईटा क्या है कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये तो है स्टेटमेंट पोइज़न्स फॉर्मूला की, कि कितनी वॉल्यूम लिक्विड की एंटर करती है पर सेकंड, कितने लीटर जो लिक्विड है पर सेकंड किसी ट्यूब में एंटर करता है वो इसके इक्वल होता है, पाई बाय 8 पी आर रेस्ट पावर 4 ईटा इनटू एल। अब इसको डिराइव करते हैं, क्योंकि डेरिवेशन में बहुत बार बच्चे अटक जाते हैं, तो हाउ वी विल डिराइव दिस। तो इसको डिराइव करने का सबसे ईजी फंडा है बेटा डायमेंशनल एनालिसिस, हम सिंपल डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही खूबसूरती से इसकी डेरिवेशन ले आएंगे निकाल के। चलिए अब इसका प्रूफ करते हैं, तो पहले रब कर देते हैं, तो बोर्ड को कर देते हैं यहां से रब। तो अब हम करेंगे इसकी डेरिवेशन, ठीक है, सो हाउ वी कैन डिराइव पोइज़न्स फॉर्मूला, डेरिवेशन, ठीक है ना। तो हम इसकी डेरिवेशन करने वाले हैं बेटा बाय यूजिंग, सबसे आसान तरीका बेटा बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। किसका इस्तेमाल करके करेंगे इसकी डेरिवेशन बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके। याद है डायमेंशनल एनालिसिस या भूल गए, आपने फिजिक्स पढ़ी है, जब प्लस वन में पहली बार फिजिक्स पढ़ी थी तो फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा था फिजिकल वर्ल्ड, और उसके बाद सेकंड चैप्टर आपने पढ़ा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसमें आपने डायमेंशनल फॉर्मूलाज पढ़े थे। याद नहीं तो एक बार याद करा देता हूँ, कुछ ऐसे फॉर्मूले बनाते थे ना MLT फॉर्मूला भी जिसे हम बोल देते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ये बनाना सीखा था ना सभी फिजिकल क्वांटिटीज का, तो यही आज यूज होगा बबुआ। और आपने तो किए भी हैं न्यूमेरिकल्स फर्स्ट यूनिट में, आपने डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना सीखा था, और आपने ये भी सीखा था एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में इंटर रिलेट कर सकते हैं। तो बस वही कंसेप्ट आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखो कैसे हम डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके फॉर्मूला डिराइव करेंगे पोइज़न्स का, ठीक है ना। तो देखो अब पोइज़न्स ने क्या कहा था एक्सपेरिमेंटली, कि क्या हुआ कि पोइज़न्स ने एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब ली बेटा, और उसमें ना वॉल्यूम लिक्विड की फ्लो करवा करवा के एक्सपेरिमेंटली मेजर की कि एक सेकंड में कितनी वॉल्यूम आ रही है। तो एक्सपेरिमेंटली जब उन्होंने देखा, उन्होंने अलग अलग रेडियस के पाइप लेके देखे, पतला पाइप मोटा पाइप, ठीक है ना, और अलग अलग प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करके देखा, अलग अलग लेंथ के पाइप ले लेके देखे, मतलब उन्होंने बहुत सारे पाइप पे एक्सपेरिमेंट्स कर करके देखे और वॉल्यूम्स कैलकुलेट की कि एक सेकंड में कितनी वॉल्यूम्स क्रॉस हो रही थी, और सारे एक्सपेरिमेंटल डाटा को जब उन्होंने निचोड़ा इकट्ठा किया तो उन्होंने एक चीज नोट की कि जो वॉल्यूम लिक्विड की एंटर कर रही थी पर सेकंड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकंड इन द हॉरिजॉन्टल ट्यूब डिपेंड्स ऑन नंबर वन। तो आपने पहली बात तो ध्यान रखना है, ये सारा एक्सपेरिमेंटल डाटा है। कैसा डाटा है बच्चों, एक्सपेरिमेंटल डाटा, मींस ये सब जो हम लिखने वाले हैं पॉइंट्स, ये सारे पोइज़न्स ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद नोट किए थे। तो पोइज़न्स ने क्या नोट किया बेटा कि जो वॉल्यूम लिक्विड की एंटर कर रही है पर सेकंड, वो कई तरह के फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। नंबर वन,
जो वॉल्यूम लिक्विड की क्रॉस करेगी पर सेकेंड, वो डिपेंड करती थी कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी पे। किस पे डिपेंड करती थी बेटा? कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी पे, ईटा। मतलब उन्होंने देखा कि अलग अलग कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी वाले लिक्विड्स अगर मैं यूज करता हूं तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो क्रॉस हो रही है पर सेकेंड उसकी वैल्यू भी अलग अलग आती है। अच्छा, इसको तो आप खुद भी एज्यूम कर सकते हो। देखो, अगर मैं आपको दो लिक्विड्स के एग्जांपल दूं अभी के भी, आप एकदम से बता दोगे गुरुजी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको। एक मैंने आपको कहा कि आप किसी ट्यूब में से वाटर फ्लो करवा रहे हो, क्या फ्लो करवा रहे हो? वाटर। एक मैंने कहा आपको कि आप उसी ट्यूब में से फिर हनी फ्लो करवा रहे हो, क्या फ्लो करवा रहे हो? हनी, शहद, जो मधुमक्खी में मिलता है ना, हनी, शहद, मीठा मीठा शहद, ठीक है ना। तो एक ट्यूब में से पानी फ्लो करवाया जा रहा है, एक ट्यूब में से हनी, तो बताओ एक सेकंड में कौन जल्दी जल्दी निकलेगा, कौन फास्ट उस ट्यूब के अंदर एंटर करेगा एक सेकंड में, कितना ज्यादा, जल्दी जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, अभी कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करें वीडियो रोक के, कि शहद जल्दी क्रॉस कर जाएगा इसमें से या पानी। तो कमेंट बॉक्स में मैक्सिमम बच्चों ने कमेंट क्या किया होगा कि भाई ज्यादा अमाउंट में क्या क्रॉस करेगा पर सेकंड? पानी, क्योंकि पानी का कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी कम होता है। शहद का कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है, तो उस शहद के केस में जो विस्कस फोर्स लगेगी, जो अपोजिंग फोर्स लगेगी, जो लिक्विड फ्रिक्शन लगेगा, वो ज्यादा लगेगा, वाटर के केस में कम लगेगा। तो वाटर जल्दी जल्दी निकल जाएगा ट्यूब में से, और शहद बेचारा धीरे 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 निकलेगा छुए की चाल, ठीक है ना। तो इसका मतलब कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है कितना वॉल्यूम लिक्विड का एंट्री मारेगा, समझ गए। तो सेकंड फैक्टर क्या था एक्सपेरिमेंटल? सेकंड फैक्टर जो उन्होंने देखा बेटा एक्सपेरिमेंटली, वो उन्होंने देखा रेडियस ऑफ द ट्यूब। क्या देखा? रेडियस ऑफ द ट्यूब। सेकंड फैक्टर में उन्होंने नोट किया कि जो रेडियस है ना ट्यूब की, अगर रेडियस ट्यूब की ज्यादा कर देते थे तो अल्टीमेटली ज्यादा लिक्विड की वॉल्यूम क्रॉस होती थी। ये भी एक देखो सिंपल सी बात है, मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है ना, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं। मैंने आपको कहा कि एक तो मैंने पतला पाइप यूज किया और एक मैंने मोटा पाइप यूज किया, और दोनों में से सेम लिक्विड फ्लो कराया सेम प्रेशर डिफरेंस में, तो मुझे बताओ कौन से पाइप में, कौन से पाइप में ज्यादा लिक्विड क्रॉस कर जाएगा एक सेकेंड में? बहुत ही आसान सी बात है, एक छोटा बच्चा भी बता देगा कि गुरुजी जो ज्यादा मोटा पाइप होगा, जिसमें जगह ज्यादा होगी, जिसकी रेडियस ज्यादा होगी, डायमीटर जिसका ज्यादा है, उस पाइप में से एक सेकंड में ज्यादा पानी जाएगा, पतले पाइप में से एक सेकंड में कम पानी जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना ऑब्वियस सी बात। तो एक ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व की कि भाई रेडियस पे डिपेंड करती है। उसके बाद बात करते हैं और कौन सा फैक्टर था एक्सपेरिमेंटली जिस पे डिपेंड करता था ये सारा चीज। अब तीसरा फैक्टर उन्होंने जो देखा जिस पे डिपेंड कर रही थी वॉल्यूम लिक्विड की कितनी जाएगी, वो था प्रेशर ग्रेडियंट। क्या था बच्चों वो? प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट, अब बच्चे चक्कर में पड़ गए, प्रेशर तो सुना था जी, ये प्रेशर ग्रेडियंट क्या लिख दिया मास्टर ने, प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? अरे भाई प्रेशर ग्रेडियंट बहुत इजी है। देखो किसे बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, जैसे ये ट्यूब है आपकी, ठीक है, अब इस ट्यूब पे जो प्रेशर डिफरेंस है इन दो पॉइंट्स पे ए और बी, मान लिया इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है ट्यूब में और यहां पे लिक्विड एंट्री मार रहा है पी ए प्रेशर से, और यहां पे जो प्रेशर है लिक्विड का वो मान लिया कितना है पी बी, तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है इन दो एंड्स के बीच का, ठीक है, इन दो एंड्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस उसको बोलते हैं हम पी। तो दो एंड्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस हो गया हमारा पी। तो कितना प्रेशर डिफरेंस है पर यूनिट लेंथ? वो हो गया हमारा प्रेशर ग्रेडियंट। तो यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट बच्चों बेसिकली क्या, किसे बोला जाता है प्रेशर ग्रेडियंट? प्रेशर ग्रेडियंट आप याद रख लो किसे बोला जाता है, कि कितना प्रेशर डिफरेंस है ट्यूब में पर यूनिट लेंथ, ठीक है, उस ट्यूब के एंड्स पे कितना प्रेशर डिफरेंस है उसको डिवाइड कर दो उस ट्यूब की लेंथ से, आपको क्या मिल जाएगा? प्रेशर ग्रेडियंट मिल जाएगा। तो ये चीज उन्होंने नोट की, प्रेशर ग्रेडियंट समझ गए पी बाय एल, ठीक है। तो इन तीन फैक्टर्स पे उन्होंने नोटिस किया एक्सपेरिमेंटली कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकंड डिपेंड कर रही थी। यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी से
कमेंट बॉक्स में अभी वीडियो रोक के लिखो कि हाँ जी यहां तक समझ में आ गया, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, पुराने हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, ठीक है। चलिए, तो ये तीन फैक्टर्स हमें पता लग गए जिन पे वॉल्यूम जो है लिक्विड की एंटर कर रही थी वो डिपेंड करती है। तो बेटा हमें ये तो पता लग गया कि जो वॉल्यूम लिक्विड की एंटर कर रही है वो इन तीन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, लेकिन अभी फॉर्मूला नहीं बनाया हमने। फॉर्मूला कैसे बनेगा? डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके। देखो डायमेंशनल एनालिसिस का कैसे इस्तेमाल करेंगे अब हम। तो बच्चों यहां एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि जो वॉल्यूम लिक्विड की एंटर करेगी पर यूनिट टाइम, यानी कि वॉल्यूम पर सेकेंड, वो नंबर वन डिपेंड कर रही है किस पे? कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी पे, ठीक है। अब ये तो एक्सपेरिमेंटली पता लग गया कि कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रही है, लेकिन जब हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी की पावर कितनी वो अभी हमें नहीं पता। उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, या पोइजुली ने उसको कैसे कैलकुलेट किया? डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके। तो उसने मान लिया कि ये डिपेंड कर रही है ईटा की पावर ए पे। किस पे डिपेंड कर रही है बेटा? ये ईटा की पावर ए पे। अब दूसरा एक्सपेरिमेंटली पोइजुली को क्या पता चला था कि ये डिपेंड कर रही थी रेडियस पे। अब रेडियस की कितनी पावर लें, क्या मैं रेडियस की पावर कितनी लूं, वन लूं, टू लूं, थ्री लूं, कितनी लूं, तो वो भी नहीं पता था। तो मैंने मान लिया रेडियस की पावर कितनी है बच्चों? बी। ऐसे ही पोइजुली को ये तो पता लग गया एक्सपेरिमेंटली कि वो प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रही है, मींस प्रेशर पर यूनिट लेंथ कितना है उस पे डिपेंड कर रही है, लेकिन इसकी पावर कितनी है ये नहीं पता था। तो हमने मान लिया इसकी पावर कितनी है, चलो सी, ठीक है। तो बस अब यहां से हमें क्या करना है, डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करना है और ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है। डायमेंशनल एनालिसिस से फॉर्मूले ड्राइव करने हमने सीखे हुए हैं फर्स्ट यूनिट में ऑलरेडी, दोबारा से पढ़ लेते हैं आज एक बार। तो हमने पढ़ा हुआ है ना कि अगर कोई फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखा है हमने, तो इसका मतलब जो डायमेंशंस होंगी लेफ्ट साइड पे, जो डायमेंशंस होंगी ऑन लेफ्ट हैंड साइड, दे मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑन राइट हैंड साइड, है ना बच्चा पार्टी। तो लेफ्ट साइड की डायमेंशंस इक्वल होनी चाहिए राइट साइड की डायमेंशंस के। तो हमें सिंपल लेफ्ट साइड की डायमेंशंस को राइट साइड की डायमेंशंस के इक्वल रख देना है, वहां से कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकाल लेनी है। देखो कैसे, तो पहले आपको मैं डायमेंशनल फॉर्मूले बता देता हूं सभी के। तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला एमएलटी फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है बेटा, एल क्यूब, है ना, वॉल्यूम का यही होता है। आपने ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में पढ़े हैं, आप दोबारा से जाके देख सकते हो। और इसके बाद है आपके पास टाइम, और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला सिंपली होता है टी की पावर वन। अब कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है बच्चों आप निकाल सकते हो इसके फॉर्मूले से, किसी भी आपने इससे पहले जो फॉर्मूले पढ़े हैं इसके कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी के, वहां से निकल सकता है इजिली। तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, आप निकाल के देख लेना। अगर किसी बच्चे को डाउट होता है फिर भी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला वो नहीं निकाल पाता डायमेंशनल फॉर्मूला, तो वो कमेंट बॉक्स में सिंपली कमेंट कर दे, हम आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों होता है एम वन एल माइनस वन टी माइनस वन, एम वन एल माइनस वन टी माइनस वन। वैसे तो आप ये फॉर्मूला ना इसका याद भी रख सकते हो, क्योंकि ये बहुत जगह यूज होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा भी जाता है, वन मार्क का बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा याद भी रख लो, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। अगर इसकी डेरिवेशन पता करनी है आपसे नहीं हो पा रही, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, इस पर वीडियो बना देंगे, आपको इसकी डायमेंशनल कैसे निकालनी है वो सिखा दिया जाएगा। फिर है रेडियस। अब रेडियस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बेटा सिंपल, वो तो लेंथ है, तो होगा एल की पावर वन। फिर आपका प्रेशर, प्रेशर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है बेटा वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो बहुत इजी प्रेशर के फॉर्मूले से, जो है फोर्स अपॉन एरिया, इसका होता है एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। फिर आपकी लेंथ है उसमें, तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला सिंपली होगा एल वन। तो ये सभी डायमेंशंस हमें मैंने आपको जो है बता दी। अब जस्ट हमें इन डायमेंशंस की वैल्यू पुट करनी है बेटा यहाँ पे, और कंपेयर कर लेना है, और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले लेफ्ट साइड की डायमेंशंस लिख देता हूं मैं। लेफ्ट साइड में देखो ऊपर तो क्या है वॉल्यूम, तो ऊपर बनेगा एल क्यूब, नीचे क्या है टाइम, तो नीचे बनेगा टी की पावर वन।
इक्वल होना चाहिए किसके, ईटा की पावर ए। अब ईटा की डायमेंशन आपको पता है तो यहां आएगा एम वन एल माइनस वन टी माइनस वन सारे की पावर ए मल्टीप्लाई बाय आर की पावर बी यानी कि एल की पावर वन बी मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या है पी बाय एल की पावर सी। अब पी का डायमेंशन कितना है जी एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू बाय एल, एल का डायमेंशन है एल वन सारे की पावर कितनी है बच्चों सारे की पावर है सी। ठीक है इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर टी की पावर वन ऊपर जाएगा तो यहां बनेगा एल की पावर थ्री टी की पावर माइनस वन है ना वन ऊपर जाके माइनस वन बन जाएगा। यहां पे बनेगा आपके पास एम की पावर ए एल की पावर माइनस ए टी की पावर माइनस ए क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है बेटा मल्टीप्लाई बाय एल की पावर बी। और ऐसे ही जब आप यहां पे सॉल्व करोगे पहले तो आपका बनेगा एम की पावर वन ये वन ऊपर जाके माइनस वन बनेगा तो माइनस वन पहले से है एक और एक माइनस वन और ऊपर चला गया तो यहाँ माइनस वन ये ऊपर गया तो माइनस वन टी की पावर माइनस टू सारे की पावर सी। अब माइनस वन कितना होता है बेटा माइनस टू होता है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू। अब सारे की पावर सी है तो एम वन की पावर सी तो वन इंटू सी सी माइनस टू की पावर सी माइनस टू सी ऐसे ही यहाँ माइनस टू सी को सी भी हट गया ये बन गया। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों एल की पावर थ्री टी की पावर माइनस वन इक्वल्स टू यहाँ बनेगा आपके पास m की पावर a यहाँ m की पावर c है तो a प्लस सी यही है ना यहाँ m की पावर है a यहाँ m नहीं है यहाँ m की पावर c है तो a प्लस सी। फिर l की पावर यहाँ l की पावर है बेटा माइनस a यहाँ l की पावर है b और यहाँ l की पावर है माइनस के टू सी तो माइनस a प्लस b माइनस टू सी। फिर t t की पावर यहाँ है बेटा माइनस a और यहां है टी की पावर माइनस के टू सी। तो ये बच्चों आपके पास आ गया क्लियर है बस अब कुछ नहीं करना कंपेयर करना है तो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स बाय कंपेयरिंग। तो जब बच्चों इनको हम कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा देखो यहां एम नहीं है तो एम नहीं है तो मैं एम की पावर जीरो लिख सकता हूं यहां एम की पावर जीरो है यहां एम की पावर ए प्लस सी है तो एक तो मुझे मिल गया ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है यहां एल की पावर कितनी है माइनस के ए प्लस बी माइनस टू सी और यहां एल की पावर कितनी है बेटा थ्री तो एक मुझे ये मिल गया। ठीक है अब यहां देखो टी की पावर यहां कितनी है माइनस के ए माइनस के टू सी और यहां टी की पावर कितनी है माइनस वन तो माइनस के ए माइनस टू सी इज इक्वल टू माइनस वन। तो ये तीन इक्वेशन आ गई एबीसी की फॉर्म में बस अब तो बच्चा भी सॉल्व करता है थर्ड क्लास का बच्चे को बोल दूं एबीसी की वैल्यू निकाल लो यहां से तो वो भी कर लेगा तो बहुत आसान है। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करोगे सिंपल है आप यहां देखो ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आ रहा है तो ए किसके कुल होगा माइनस सी के इक्वल है ना ए किसके कुल होगा माइनस सी के आप यहां ए की जगह माइनस सी पुट कर दो यहां माइनस सी पुट करूंगा तो ये बनेगा माइनस ए की जगह आ गया माइनस सी माइनस के टू सी इज इक्वल टू माइनस वन यही आएगा। तो यहां से आपके पास आ जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस तो सी माइनस टू सी इज इक्वल टू माइनस वन तो माइनस टू सी प्लस सी क्या बनेगा माइनस सी तो माइनस सी इज इक्वल टू माइनस वन तो सी इज इक्वल टू वन तो सी की वैल्यू पता लग गई जी कितनी है वन तो सी कितना है हमारा वन अगर सी वन है तो यहां वन पुट करेंगे तो ए कितना बनेगा माइनस वन तो ए कितना बन गया माइनस वन सी बन गया वन तो ये वैल्यूज यहां रख देंगे यहां रखेंगे तो ए की जगह माइनस वन तो माइनस माइनस वन प्लस बी माइनस के टू इंटू सी सी कितना है बेटा वन इज इक्वल टू थ्री तो यहां से बी भी निकल आएगा ये बनेगा माइनस माइनस प्लस वन प्लस बी माइनस के टू इज इक्वल टू थ्री तो ये बनेगा बी माइनस टू प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू थ्री तो बी क्या बन गया हमारा थ्री माइनस वन उधर जाके प्लस हो जाएगा इक्वल टू फोर तो यानी कि बच्चों बी कितना आ गया मेरा फोर तो बी मेरा फोर आ गया सी मेरा वन आ गया और ए मेरा आ गया माइनस वन तो बस ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में रख दो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा बच्चों। तो फॉर्मूला क्या मिलेगा देखो जस्ट हमें क्या करना है वैल्यूज पुट करनी है तो बनेगा v बाय टी इज प्रोपोर्शनल टू ईटा की पावर a a कितना माइनस वन आर की पावर b b कितना बेटा फोर और p बाय l सारे की पावर कितनी c c कितना आया है आपका वन तो यानी कि इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो फॉर्मूला बन जाता है बेटा कि वॉल्यूम पर सेकेंड v by t इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर वन इसको मैंने लिख लिया है सिंपली p
इंटू आर की पावर 4 बाय एल, एल यहां डिवाइड में आ जाएगा बेटा, ईटा की पावर माइनस वन भी नीचे चला जाएगा, क्या बन जाएगा, ईटा की पावर प्लस वन, है ना, ईटा की पावर माइनस वन है ना बच्चों, तो इसको मैं वन बाई ईटा लिख सकता हूँ ना, तो इसको नीचे लिख लूंगा, तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। तो बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब यहां तक तो फॉर्मूला जो है डिराइव हो गया। अब पोइजुली ने यहां तक पता कर लिया कि वॉल्यूम पर सेकेंड प्रोपोर्शनल आ रही थी पी आर की पावर 4 ईटा इंटू एल, ईटा इंटू एल, है ना। लेकिन ये डायमेंशनल एनालिसिस से इतना ही निकाल सकते हैं। अब डायमेंशनल एनालिसिस की खूबसूरती है कि उससे हम बहुत आसानी से रिलेशन ड्राइव कर लेते हैं, लेकिन एक नाकामयाबी भी है डायमेंशनल एनालिसिस की, एक कमी भी है। वो कमी क्या है कि हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को जब हटाते हैं तो कॉन्स्टेंट के बारे में डायमेंशनल एनालिसिस से कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि यहाँ से जब मैं हटूंगा वी बाई टी प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो सम कॉन्स्टेंट ऐड होएगा, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंटू पी आर की पावर 4 अपॉन ईटा इंटू एल। ये कॉन्स्टेंट डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाला जा सकता, इस कॉन्स्टेंट को एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स कर करके। तो फिर क्या हुआ, दोबारा से पोइजुली ने अलग अलग प्रेशर डिफरेंस के लिए अलग अलग रेडियस, अलग अलग लेंथ, अलग अलग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाले लिक्विड्स पे एक्सपेरिमेंट कर करके देखा। एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद मैथमेटिकली उन्होंने कैलकुलेट की इस कांस्टेंट की वैल्यू, और एक्सपेरिमेंटली कितनी वैल्यू आई इसकी, पाई बाय 8। जब उनको ये वैल्यू पता लग गई तो फॉर्मूले में रख दी, और फॉर्मूला बन गया वी बाय टी इज इक्वल टू पाई बाय 8 पी आर रेस टू पावर 4 बाय ईटा इंटू एल। हेंस दिस इज द पोइजुलीज फॉर्मूला, ये आ गया पोइजुली का फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय किया होगा लेक्चर को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर दें, वीडियो को लाइक जरूर करें, सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।